बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित खाद एवं बीज की दुकानों पर बिकने वाले खाद में भारी मात्रा में रेत की मिलावट का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद ग्रामीण किसानों के द्वारा तहसीलदार को शिकायत दी गई। इसके साथ ही मौके पर किसानों ने खाद दुकान से खरीदी गई खाद को पानी में मिलाया तो उसमें भारी मात्रा में रेत पाई गई। इसके बाद तहसीलदार उदय सिंह मंडलोई ने शिफाली एग्रो खाद गोदाम की दुकान पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान उनके द्वारा राम फर्टिलाइजर लिमिटेड DAP की एक बोरी, विनायक फर्टिलाइजर की पोटाश की बोरी और आइडियल क्रॉप कंपनी का जिंक पाउडर का सैंपल लिया गया। वहीं इस मामले को लेकर जब जिला उपसंचालक कृषि MS देवके से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि दो लोग जो दुकान के मालिक थे उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। धुनकोट के श्री तहसीलदार साहब और कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शेफाली कृषि केंद्र शेफाली एग्रो पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि जो DAP एक कृषक द्वारा शिकायत की गई थी कि DAP में रेत या किसी अन्य चीज़ की मिलावट की गई है, इसे तो निरीक्षण किया गया था। तो निरीक्षण में पाया गया कि रामा फर्टी केम कंपनी का DAP था और श्री विनायक फर्टिलाइजर्स का पोटास था, तो और एक आइडियल क्रॉप केयर का जिंक था। तो तीनों के हमने नमूने भी लिए गए हैं और रामा फर्टिकेम और श्री विनायक फर्टिलाइजर्स के कोई भी दस्तावेज उक्त डीलर नहीं दिखा पाया, इसलिए हमने सारी चीज़ों का पंचनामा बनाया। सभी प्रस्तुत जो भी यहाँ पर मौजूद थे और श्री तहसीलदार साहब के समक्ष पंचनामा बनाया गया, जब्ती किया गया और जब्ती करके उसे डीलर को सुपुर्द करके उक्त गोडाउन को सील किया गया है।